हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन करेंगे क्लास टेंथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वेयर अल्फा माइनस बीटा वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। दो मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों मेथड आपको देखने चाहिए जरूर, दोनों ही अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात तो जिन क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा की बात होती है तो उसमें हमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेना चाहिए। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, तो इसलिए बी अपॉन ए करेंगे तो ये आएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए के। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे मिल गई हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं पहले मेथड में क्या करना है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू वन, ये गिवन है हमें, तो इसके हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ये हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी हमने। अब यहाँ पे हमें एक आइडेंटिटी और याद रखनी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो हम इसकी जगह यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू एल्फा बीटा, और ये माइनस टू एल्फा बीटा पहले से ही है। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर एल्फा बीटा इक्वल टू वन। ठीक है, अब इससे आगे हमें आप सारी वैल्यू एक सेकेंड पता ही है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिख देंगे फाइव, तो यहाँ पे आ गया फाइव, और अल्फा बीटा की जगह के, तो 25 माइनस वन इक्वल टू फोर के, के की वैल्यू सिक्स आ गई। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड मेथड, वो मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह में कर देता हूँ, मेरे को तो ये वाला मेथड अच्छा लगता है जो भी बताया है। सेकंड में क्या है कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये है हमारी सेकेंड, और इसको मान लेते हैं थर्ड। तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम ऐड करेंगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा, टू अल्फा इक्वल टू फाइव प्लस वन सिक्स, तो अल्फा की वैल्यू थ्री आ गई। फिर हम पुट कर देंगे अल्फा को फर्स्ट इक्वेशन में, तो बीटा कितना आ गया फाइव माइनस थ्री टू। उसके बाद पुट अल्फा बीटा इन सेकेंड, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है थ्री, बीटा की वैल्यू टू, तो के कितना हो गया सिक्स। तो ये आंसर हो गया। तो जिसको जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना चाहिए, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। पॉलीनोमियल की प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।